जब बिजली हमको प्राप्त तो नहीं हो रही है तो ये कैसे काम चलेगा? ये तो सरासर अन्याय है काश्तकार के साथ। मौसम की बेरुखी व विद्युत विभाग की लापरवाही ने धान की रोपाई कर चुके किसानों को मुश्किल में डाल दिया। वर्षा के अभाव में खेत में सूख रही फसल को बचाने के लिए किसान नलकूप से आस लगाए बैठे थे, लेकिन लो वोल्टेज विद्युत विभाग की कटौती ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया। किसानों का कहना है कि खेत नमी न होने से खेतों में दरारें बनाई हैं, जिससे पौधे मुरझाने लगे हैं। किसानों का कहना है कि यदि समय पर फसल को पानी नहीं मिलता तो पौधों की वृद्धि प्रभावित हो जाएगी तथा उत्पादन पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। परेशान किसान फसलों को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही से किसानों की फसलें सूख रही। पूरा मामला उन्नाव जनपद के पावर हाउस हिलौली के हरदी फीडर का है, जहां सैकड़ों किसान लाइट न आने की वजह से परेशान। किसानों का कहना है कि अगर समय पर लाइट की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। सुनिए और कुछ क्या कहना है किसानों का। जोड़ के कहो हैं, बत्ती नहीं आ रही, पावर नहीं आ रहा, पावर आते सब धान लग जाए। नहीं तो ये क्या केवल पानी की वजह से पड़े हुए हैं खेत? केवल पानी की वजह से। तो जय साहब से बताते हैं, उनको एक बार अवगत कराते। कई बार अवगत कराते हैं, लेकिन यही कहते हैं दो चार दिन में सही हो जाएगा। तो अब ये फसल ऐसे फसल होगी नहीं, ऐसे खेती पड़ी रहेगी? नहीं रहेगी, ऐसे ही पड़ी रहेगी, ऐसे फलटे के मिल जाएगा हमारे लोगों को। अगर ये लाइट ठीक नहीं हुई तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हो नहीं रही है, फसलें सब सूख रही हैं बिजली ना आने के कारण से, और सूखा ऐसे पड़ा हुआ, बारिश हो नहीं रही है। अगर बिजली का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेंगे, आके धरना देंगे, तब सुनवाई होगी, इसका बिजली का समाधान किया जाए जल्द से जल्द।